राजस्थान में 2 साल से देखा जाए तो सियासी मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा सचिन पायलट का नाम चर्चा में रहा है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के पद की बात करें या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें, इन दोनों ही पद के लिए सचिन सबसे बेहतर पसंद थे, सबके लिए पहले पसंद थे। लेकिन जब बात अशोक गहलोत के साथ रिश्ते की हुई, राजस्थान के सरकार की कुर्सी पर बैठने की हुई, तो इसे लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच गर्मा गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। शुरुआती दिनों से ही, शुरुआती महीनों से ही 2 साल पूरा होने के बाद इनके बीच जो गर्मा गर्मी बढ़ी है, इसे लेकर काफ़ी चर्चा हुई है। और अशोक गहलोत के साथ उनकी मतभेद के बाद खबर आई कि पिछले दिनों सिंधिया, जी हाँ ज्योतिराज सिंधिया से भी मिलने गए थे, ज्योतिराज सिंधिया से भी मिलने गए थे सचिन पायलट। खबर ये भी आई है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की बॉन्डिंग को ठीक करने के लिए और इनके बीच की कड़वाहटों को मिटाने के लिए अजय माकन इन दोनों को सामने लाकर मतभेद को ख़त्म करने की प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद के लिए ही ये सियासी कदम उठाया है, कहा जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सचिन पायलट ने 2 सालों में अशोक गहलोत के साथ अपने रिश्ते को बेहतर रखा। लेकिन 2 साल बाद अब जब राजस्थान की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर अशोक गहलोत की जगह किसी और नए चेहरे को देखने की उम्मीद जगी है, तो सचिन का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। खैर, ये तो उनकी राजनीतिक ज़िंदगी को लेकर बात हुई। निजी ज़िंदगी में सचिन पायलट की बात करें तो निजी ज़िंदगी में वो आज बीते कई सालों से जो इंस्पिरेशन बने हैं परिवार के लिए, वो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अगर करीब है तो अपनी बहन सारिका के। जी हाँ, जितना करीब वो अपनी पत्नी के हैं, उतने ही ज़्यादा करीब वो अपनी बहन के भी हैं। दोनों के साथ उनकी बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग है। मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से शादी करने वाले सचिन ने अपनी बहन को अपनी राह पर ही चलना सिखाया। सारिका ने भी अपने भाई की तरह शादी की अपने मनपसंद एक बिजनेसमैन के साथ। बिजनेसमैन के साथ शादी करने के बाद सारिका अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। ये बात अलग है कि राजनीति से दूर टीवी प्रोडक्शन हाउस में काम करने का उन्होंने मन बनाया था। सारिका पायलट टीवी इंडस्ट्री में आई लेकिन कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आज वो एक बहुत ही बेहतरीन रेस्तरा चला रही हैं अपने पति विशाल चौधरी के साथ और ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। खबर ये थी कि बेटी सुहाना के जन्म के बाद उन्होंने ये मन बनाया था कि वो टीवी की तरफ कदम बढ़ाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साल 2000 में यानी कि 20 साल पहले उन्होंने शादी रचाई थी विशाल चौधरी के साथ। इन 20 सालों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में कई बदलाव करने का फैसला लिया था, लेकिन ये बदलाव मुमकिन नहीं हो पाया उनके लिए कामयाबी के लिए। लेकिन विशाल और सारिका जो कि एक स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे को जानते थे, अच्छे से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे, इन्होंने शादी की, आज ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। यह अलग बात है कि राजस्थान में जहाँ सचिन पायलट सियासी मुद्दे को लेकर हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, कांग्रेस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा नेताओं में एक है, तो दूसरी ही तरफ उनकी बहन सारिका इस लाइमलाइट से दूर, राजनीति से दूर, राजधानी दिल्ली में अपने परिवार के साथ, पति के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं और रेस्तरा चला रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।